यहाँ सी प्रोग्रामिंग के लिए जो मैं ऐप यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है सी कोडिंग। और चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वेयर रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर अवेलेबल है प्रोग्रामिंग का, जिसमें है हैज़ इंक्लूड studio.h। ये एक हेडर फाइल है जिसमें हम studio.h अंदर हेडर फाइल के अंदर के सारे प्रोग्राम्स फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शंस है, इसके ब्रैकेट के अंदर हमें कोडिंग करनी होती है। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास एरिया जो है सर्कल का वो फाइंड करना है, और रेडियस मुझे दिया हुआ है तो मुझे कोई भी एडिशनल जो इनपुट है वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे जो एरिया निकलेगा वो या तो हम इंटीजर से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर फ्लॉट, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फ्लॉट लिखते हैं, FLOAT फ्लॉट। ओके, फ्लॉट। और यहाँ पर एरिया को स्टोर करने के लिए हम a नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और साथ साथ रेडियस को स्टोर करने के लिए r = 5 हम यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, सेमी कॉलन देंगे, नीचे आते हैं। तो नीचे हमारे प्रोसेस की बारी है। तो एरिया इज़ इक्वल टू 3.14 इंटू आर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पे चाहते तो डायरेक्ट 5x5 भी लिख सकते थे, यहाँ पर हम 5x5 भी लिख सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमारा रेडियस बदलता है, यहाँ पर जो रेडियस है radius = 5 cm, तो यहाँ पे हम अगर रेडियस को बदल दें 3 में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पहले की ही तरह आएगा, सेम आएगा। सो यहाँ पे हमें इसे वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देंगे। ओके, r into r। नेक्स्ट नीचे आते हैं। अब इसको प्रिंट कराने के बारे में प्रोसेस हो गया, प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे printf फंक्शन का, printf, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम अपने मैसेज को लिखेंगे। तो मैसेज जो होगा हमारा वो होगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %f, बिकॉज हमने प्लॉट का इस्तेमाल किया है तो %f लिखेंगे। एक चीज़ और अभी बताएंगे, चलिए देखते हैं %f। और यहाँ पर हमें a को कॉल करना है, सो हम लिख दिया, और इसे अब हम रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए सिंपली रन कोड को हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैसेज आ रहा है वो आ रहा है 78.5000, यानी कि डेसिमल के बाद जो हमारे प्लेस है वो 6 है। तो इसको हम अगर कम करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हमें %f की जगह .2 लगा दें तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद अंक आएगा वो 2 आएंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वो 2 अंक है। सेम एज अगर हम यहाँ पर 3 कर दें .3f, और यहाँ से रन करते हैं, तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है, दशमलव के बाद जो है 3 अंक आ रहा है। तो यहाँ पर ये सीक्रेट है हमारे दशमलव के अंक को कम करने के लिए। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा।